सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रपति से की शिष्टाचार भेंट। बीजेपी अध्यक्ष कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक खत्म। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकारिणी को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को दिया 2024 के लिए विजय मंत्र। बीजेपी कार्यकारिणी में बड़ा फैसला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बढ़ाया गया कार्यकाल। एक साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव। जून 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे जेपी नड्डा। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर आज फिर हुई सुनवाई। प्रतिवादी ने कोर्ट में रखी अपनी दलील। 30 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। जीआईएस को लेकर यूपी सरकार का कोलकाता में रोड शो। यूपी सरकार का जीआईएस के लिए चौथा डोमेस्टिक रोड शो। वाराणसी में हुई बलून फेस्टिवल की शुरुआत। 4 दिनों तक चलेगा हॉट एयर बलून फेस्टिवल। बोट रेस का भी किया गया है आयोजन। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई आयोजन। हॉट एयर बलून के साथ ही बोट फेस्टिवल का भी आयोजन। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज फिर नहीं हो सकी पेशी। उसरी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह के खिलाफ देनी थी गवाही। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होनी थी गवाही। मिर्जापुर में मुढ़ई में आग लगने से 28 बकरियों समेत 33 पशुओं की हुई मौत। पशुओं को बचाने में पशुपालक नजीर भी झुलसा। पडरी थाना क्षेत्र के भरपुरा गांव का मामला। कुशीनगर में करंट की चपेट में आने से हुई किसान की मौत। खेत के पास लगे बिजली के पोल में करंट उतरने से हुई मौत। हाथरस में शॉर्ट सर्किट की वजह से किराना दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। चंदौली में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर से हादसा। मुगलसराय वाराणसी मार्ग पर हुआ हादसा। जानमाल की कोई जनहानि नहीं। हरदोई में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। वीडियो में एक शख्स फायरिंग कर रहा है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। कानपुर में देश का पहला स्मार्ट शेल्टर होम स्थापित। शेल्टर होम में एक बार में 24 निराश्रित रुक सकेंगे। रुद्रप्रयाग के केदारपुरी ने ओढ़ी बर्फ की चादर। बिजली पानी की आपूर्ति बंद। धाम में 3 फीट तक हुई है बर्फबारी। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं लोग। पौड़ी में बारिश न होने की वजह से कोहरा घना। ठंड की मार से क्षेत्र के लोग परेशान। कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी 0। जोशीमठ में होटलों को गिराने का काम जारी। मलारी और माउंट व्यू होटल को गिरा रहा प्रशासन। दीवारों में दरार के बाद गिराया जा रहा है होटल। कांग्रेस के मौन उपवास पर बीजेपी का हमला। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कांग्रेस सरकार के ही भर्तियों में भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। दो दिवसीय तेलंगाना दौरे पर अखिलेश यादव केसीआर की रैली में होंगे शामिल। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी सुरक्षा चूक। भीड़ से अचानक निकलकर आए अनजान ने की राहुल गांधी से गले मिलने की कोशिश।